अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज़ीनामा। तो आज मैं आपको जद्दा में होने वाले एक कॉफ़ी फेस्टिवल की सैर कराने के लिए लेके जा रही हूँ। ये फेस्टिवल 3 दिन तक लगा हुआ था जद्दा सुपर डोम में। इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपने कॉफ़ी के स्टॉल्स लगाए हुए थे। सऊदी गावा के स्पेशल स्टॉल लगे हुए थे जहाँ वो आपको सऊदियों की स्पेशल जो गावा है और कुकीज़ हैं वो टेस्ट करा रहे थे। और बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, कुछ वर्कशॉप्स थी एल्डर्स के लिए जिनके वो ऑनलाइन जो है बुक करके उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। इस तरह के जो भी फेस्टिवल्स होते हैं इसके टिकट्स आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, इस पे जाके आपको अपने रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है और उसके बाद जो है इस पे आप अपने जो भी आगे के इवेंट्स होंगे उसकी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। बहुत सारे इवेंट्स मोस्टली फ्री होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं। ये फ्री था, इसमें सिर्फ आपको बुकिंग करानी थी और वो बार कोड जो है वो स्कैन होके तो फिर आप एंटर हो सकते हैं यहाँ पे। तो इस वेबसाइट पे आप रजिस्टर हो जाएं तो आप आगे के आने वाले इवेंट्स जो हैं उनसे आप उनको अटेंड कर सकते हैं टिकट्स अपनी बुक करके। यहाँ पे कुछ वर्कशॉप्स हो रही थी ट्रेडिशनल कॉफ़ी मेकिंग के बारे में, नेक्स्ट कुछ पेंटिंग की वर्कशॉप्स भी थी और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये लोग अपने यंग जनरेशन को सिखा रहे थे। इस सारे सेटअप में जो इनकी रवायती सिटिंग है और जो इनका रवायती कहवा है इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई थी और साथ साथ मॉडर्न कॉफ़ीज़ के भी सारे ब्रांड्स थे और कुछ फ्यूजन्स थे कॉफ़ी के साथ जो है इनकी अपनी कॉफ़ी मर्ज करके, तो उसकी भी सारी ब्रांडिंग और उसकी सारी प्रमोशन हो रही थी। तो इस एरिया में पूरे ये कॉफ़ी बीन्स रखे हुए हैं और जो सऊदी कहवा है उसमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स यूज़ होते हैं, जिंजर है, ज़ाफ़रान है, इलायची है, और ये वो आपको बना के आपको टेस्ट भी करा रहे थे और साथ में कुछ गावा के साथ यहाँ डेट सर्व हो रही थी और कुछ के साथ ये डेट वाली कुकीज सर्व कर रहे थे जो कि बहुत मज़े की थी। सऊदी के अलावा दूसरे नेशनलिटी के लोग भी जो हैं वो इनका कावा बहुत इंजॉय कर रहे थे और बहुत रिफ्रेशिंग होता है और बहुत मज़े का होता है। इसमें शुगर नहीं डालते हैं, उसके साथ ही कुकीज़ खजूर की होती हैं या मीठे के तौर पे खजूर के साथ में खाते हैं। ये वाली कुकीज़ अच्छी थी, मज़े की थी, लेकिन ये तो दूसरी वाली जो थी तो बहुत मज़े की थी, बिल्कुल बाहर से क्रिस्प और अंदर खजूर की फीलिंग की हुई थी। यहाँ से थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट के बाद हमने सोचा कि अब दूसरी कॉफ़ी टेस्ट की जाए, तो हम लोग कैपेचिनो ढूँढ रहे थे। तो इधर एक शॉप में ये लोग बता रहे हैं कि ये मॉडर्न कॉफ़ी के साथ कैपेचिनो लाटे के साथ ये अरेबिक कॉफ़ी मिक्स कर रहे हैं और एक नई चीज़ जो है ये बना रहे हैं। तो ये हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो हमने सोचा चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो हमने अरेबिक लाटे जो है वो ऑर्डर किया, अच्छा था, मज़े की थी वो कॉफ़ी। थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उसमें शुगर नहीं थी तो वो बिल्कुल भी मीठी नहीं थी, लेकिन गर्मी भी नहीं थी इसमें क्योंकि उसमें ज़ाफ़रान था। तो एक बड़ा यूनिक सा, बड़ा मज़े का जो है ना वो फ्लेवर आ रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं दोबारा भी ट्राई करूँगी। और अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो आपको तो इस फेस्टिवल में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हर तरफ कॉफ़ी ही कॉफ़ी है और आपको हर तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं उसके लिए। तो ये हमारी फ्यूजन कॉफ़ी जो है ये रेडी हो रही है, ये अरेबिक कॉफ़ी के साथ लाटे को उन्होंने मिक्स किया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ।
इनके कल्चर डांस भी हो रहे थे और ये कुछ स्टॉल्स थे जहाँ पे ये अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर रहे थे। बहुत मज़े मज़े के डिज़र्ट्स भी थे और बहुत यूनिक ज़ाफ़रान जो आपको, जिसकी बड़ी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी थी जो आपको वैसे नहीं मिलते हैं। और ये बहुत खूबसूरत बर्तन और कॉफ़ी ग्राइंडर और हर तरह की ये चीज़ यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। ये स्टॉल लगे हुए थे, ये कॉफ़ी ग्राइंडर बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, एक पूरा एरिया था जहाँ पे वो पॉट्स बना रहे थे, कप बनाने की कोशिश कर रहे थे और इस कोशिश में इस तरह की कुछ चीज़ें बनी थी, लेकिन पेंटिंग भी कर रहे थे तो बच्चे इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे थे और वो अपनी चीज़ें इतने प्यार से सजा के रख रहे थे कि अच्छा लग रहा था बच्चों को देख के कि वो इस चीज़ को इतना इंजॉय कर रहे हैं और बर्तन बनाते हुए इतना खुश हो रहे हैं। और यहाँ पर आपके तकरीबन सारे फेवरेट कॉफ़ी ब्रांड्स मौजूद थे, तो आप को हर तरह की कॉफ़ी यहाँ पे अवेलेबल थी। और साथ साथ कुछ स्टॉल्स पे आपको कॉफ़ी के बारे में पूरी हिस्ट्री जो है वो बता रहे थे कि उसका प्लांट से लेके उसकी बीन्स और फिर कैसे वो रोस्ट होती है और वो जो पहले कैसे कॉफ़ी बनती थी, तो सारी ये चीज़ें जो है ना, आप अगर आप, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। और बच्चों के लिए कुछ इस तरह से सेटअप था कि ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहना के तो उनकी फोटोग्राफी भी हो रही थी, तो बच्चे इतने क्यूट लग रहे थे ये सऊदी कल्चरल ड्रेसेस में। और इस स्टॉल पे सारे कॉफ़ी प्लांट्स और उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और पुराने जो, जैसे पुराने टाइम में जब आप ज़राअत करते थे तो उस टाइम पे कौन कौन सी जो है वो यूज़ होते थे, जो औज़ार, अभी तो बहुत मशीनरी यूज़ होती है, तो वो सारे इन्होंने रखे हुए थे डिस्प्ले के लिए रखे हुए थे और उस टाइम पे कैसे वो कॉफ़ी बनाते थे उसको डिस्प्ले कर रहे थे। और ये कॉफ़ी बीन्स भी उन्होंने हमें गिफ्ट दिए थे, तो एक बहुत अच्छी जो है इवनिंग स्पेंड करने के बाद अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। एक मज़े की चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप को कभी भी आपकी नमाज कज़ा नहीं होगी। जो भी इवेंट है, जो भी आप किसी मॉल में हैं, आपको हर जगह कहीं ना कहीं पे आपको नमाज की जगह ज़रूर अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर भी उन्होंने जो है नमाज की जगह बनाई हुई थी। तो जब आप इस फेस्टिवल से, सुपरडोम से बाहर निकलते हैं तो बाहर भी बहुत सारे फूड स्टॉल लगे हुए थे, तो अगर आप खाना नहीं खा के आए हैं तो आप ये इवेंट इंजॉय करने के बाद यहाँ पे बैठ के खाना खा के फिर आराम से घर जा सकते हैं। सिटिंग्स भी बनाए हुए थे उन्होंने बैठने के लिए। और जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो जो लोकल फूड ट्रक थे ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग उनका लग रहा था सारा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंटरेस्टिंग जगह के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।